आगे बढ़ते हैं। कन्नौज से खबर है, कारोबारी पीयूष जैन से जुड़ी बड़ी खबर है। केमिकल सैंपलिंग के लिए आधी रात को वहां पर टीम पहुंची और इत्र कारोबारी के बेटे प्रत्युष को साथ लेकर यह टीम पहुंची थी। प्रत्युष को लेकर दूसरे मकान में रखे केमिकल ड्रम खंगाले गए। आधी रात की जो कार्रवाई हुई है उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कन्नौज से 19 करोड़ कैश, 23 किलो सोना बरामद हुआ है और अब तक 196 करोड़ से ज्यादा रुपए की रिकवरी हुई है। आज पीयूष जैन के घर से जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम निकलेगी। तो लगातार चौथे दिन इत्र कारोबारी पीयूष जैन के कन्नौज वाले घर पर छापेमारी की कार्रवाई के बाद जीएसटी इंटेलिजेंस ने एक प्रेस नोट भी जारी किया और इसमें कन्नौज से 19 करोड़ कैश, 23 किलो सोना और भारी मात्रा में इत्र बनाने का केमिकल और सामान भी जब्त किए गए हैं। 6 करोड़ रुपए की कीमत का चंदन का तेल भी इसमें शामिल है। तो अब हम और ज्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं विवेक त्रिपाठी से, जो कि इस सारी कार्रवाई पर नजर बना के रखे हुए। आप विवेक, का रात की जो तस्वीरें थी एक्सक्लूसिव उसको हमने दिखाया, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं और जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम के बाहर आने के संदर्भ में भी जो जानकारी आपको प्राप्त है हमारे दर्शकों के सामने रखें। बिल्कुल राजेंद्र, कल रात ही छापेमारी खत्म हो गई थी और जो जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम है वो अपने होटल चली गई थी, वहां पर ठहरी हुई है। ये कहा गया, वहां जॉइंट कमिश्नर स्तर के जो अधिकारी हैं उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि सुबह करीब 10 बजे जो कैश है, 19 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ है, उसको लेकर एसबीआई के अधिकारी जाएंगे और अपने चेस्ट में डिपॉजिट करेंगे उसको। ये हो गई कैश की बात। इसके अलावा जो सोना मिला है 23 किलो, वो विदेशी है, चूंकि उसमें विदेशी हाल मार्किंग है, इसलिए उसको जब्त करने के लिए डीआरआई की टीम को भी बुलाया गया था, जो रात में कन्नौज में उनके आवास पर पहुंची है पीयूष जैन के, और सोना अपने कब्जे में लेकर वो आज ही सुबह फिर निकलेगी, चूंकि रात में इस तरह के जो वैल्यूएबल्स हैं उनका ट्रांजेक्शन बहुत खतरनाक हो जाता है, रिस्क होता है, इसलिए रात में टीम वहीं रुकी। सुबह करीब 10 बजे सारे लोग निकलेंगे वहां से। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो सैंपल कलेक्शन किए जा रहे हैं केमिकल के और जो सैंडलवुड ऑयल है उसके जो सैंपल हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में है। यानी कल हमने अपने दर्शकों को दिखाया था कि कई गत्तों में शीशियां ले जाए गए थे, उसके ढक्कन जो एक पॉलिथीन के बैग में दिखाई दे रहे थे ढक्कन, यानी सैकड़ों ऐसी शीशियां हैं जिसमें सैंपल कलेक्शन होने हैं। वो सैंपल कलेक्शन जैसे चार मकान हैं पीयूष जैन के, उसके ठीक सटा हुआ एक मकान है वो अक्सर खाली रहता है, वहाँ पर ये जितने कंपाउंड हैं, कंपाउंड बनाने का काम होता है। कंपाउंड एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है गुटखा व्यापारियों के लिए, पान मसाला कारोबारियों के लिए। जी जी। उसी कंपाउंड से टेस्ट डेवलप होता है कि किसी चीज़ का आपको जो टेस्ट लग जाता है तो वो कंपाउंड ही ओरिजिनल चीज़ होती है। वो सिर्फ पीयूष जैन ही जानता था कि किस कंपाउंड में किस तरह का मिक्सचर है और किसको बेचा जा रहा है। यानी बहुत सारे पान मसाला कारोबारी उससे कंपाउंड लेते थे। अब वो कंपाउंड की सैंपल लिए जा रहे हैं, वो जब्त किए जाएंगे, उनकी फॉरेंसिक लैब और अन्य लैब जो है वहां पर जांच कराई जाएगी कि किस तरह का कंपाउंड है और किस किस लोगों को, चूंकि एक बहुत बड़ी मात्रा में कंपाउंड बनाता था और बहुत बड़े कारोबारियों के लिए बड़ी संख्या में, केवल लखनऊ नहीं, कानपुर नहीं, यूपी के अन्य शहर नहीं, बल्कि देश के तमाम शहरों में कंपाउंड भेजा जाता था, क्योंकि आपने तमाम जरूरी जानकारियां दी इस समाप्त हुई रेट के बारे में। जो जानकारियां हमारे दर्शकों को बहुत निश्चित रूप से बहुत उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सारे प्रकरण से जुड़ी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक।